क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंजेस मे बी अफेक्टेड तो स्टूडेंट्स आपको जिस तरह में गिवन है आपने वैसे कन्वर्जन करनी है इथेन स्टूडेंट्स आपने कन्वर्ट करना है इथिन के अंदर तो so स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि जब भी आपने इथेन को कन्वर्ट करना है के अंदर इसके अंदर कन्वर्ट करना है सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इथेन की आप ब्रोमिनेशन कर देंगे ब्रोमिनेशन स्टूडेंट्स आप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो आपके पास इथाइल ब्रोमाइड जनरेट हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू बी आर अब स्टूडेंट्स आपके पास इथाइल ब्रोमाइड जनरेट हो गया अब आप क्या करेंगे कि अल्कोहलिक के ओ एच की प्रेजेंस में दोबारा डीहाइड्रोहली जनेशन कर देंगे तो आपके पास इथिन जनरेट हो जाएगा यानी कि स्टूडेंट्स इसी स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है कि अल्कोहलिक के ओ एच की प्रेजेंस में अल्कोहलिक एच की प्रेजेंस में डीहाइडोहैलोजनेशन कर देनी है एटी डिग्री सेल्सियस पे तो आपके पास क्या होगा कि ये इथिन में कन्वर्ट हो जाएगा ये हो गई है कन्वर्जन देन स्टूडेंट्स आपने इथिन को इथाइन के अंदर कन्वर्ट करना है अब स्टूडेंट्स आपने जब इथिन को इथाइन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि आपने इथिन लिया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इसके अंदर आपने एड कर दिया ब्रोमीन कार्बन टेटाक्लोराइड की प्रेजेंस में तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुआ कि वन टू डाई ब्रोमो इथिन जनरेट हो गया सी एच टू बॉन्ड सी एच टू यहाँ पर दो ब्रोमीन अटैच्ड हैं अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप दोबारा से डी कर देंगे अल्कोहलिक के ओ एच की प्रेजेंस में के ओ एच को स्टूडेंट्स आपने साथ रिएक्टेंट्स में भी मेंशन करना है पहले 180 पहले 80 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करेंगे फिर कंडीशंस ड्रास्टिक कर देंगे यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि इथिन जो है वो रिस्पेक्टिवली डी जब दो दफ़ा होगी तो इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये हो गया स्टूडेंट्स आपने इथाइन को इथेन में कैसे कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट्स वो तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा आपके लिए कि इथाइन के अंदर आपने क्या करना है कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन की तरह तो, इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा आई होप स्टूडेंट्स के आप उसको खुद टैकल कर सकते हैं राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूलाज फॉर आर ऑप्टेन वन वन ब्यूटीन विल आपके पास है सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये हो गया आपके पास वन ब्यूटीन अब वन ब्यूटीन को आपने डिफरेंट रिएजेंट से ट्रीट करवाना है और बताना है कि आपके पास हर रिएजेंट की केस में कौन कौन सी प्रोडक्ट जनरेट होगी तो स्टूडेंट्स वन ब्यूटीन आपके पास ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा जब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इसको ट्रीट किया जाएगा सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री देन स्टूडेंट्स आपके पास ब्रोमीन के साथ जब आप ट्रीट करवाएंगे वन ब्यूटीन को तो स्टूडेंट्स आपके पास वन टू ड्राई ब्रोमो आपके पास वन टू डायब्रोमो ब्यूटेन जनरेट हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर सी एच टू बी आर अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं तो आपको जनरली मेंशन कर रही हूँ आप इनको प्रॉपर रिएक्शंस के अंदर मेंशन करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका नाम होगा आपके पास वन टू डायब्रोमो ब्यूटेन दैन स्टूडेंट्स कोल्ड केमिनो फोर या आप हाइड्रोक्स यानी कि अल्कलीन केमिनो फोर कंडीशन के अंदर जब आप ट्रीट करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास एक अदद डायोल जनरेट होगी यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगी सी एच थ्री अक्रॉस द डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू यहाँ पर भी ओ OH एच है यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपके पास ओ OH एच है वन टू डाई आपके पास यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा वन टू डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन के साथ जब आप ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू स्टूडेंट्स आपके पास एपोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको आप कहेंगे ब्यूटालीन एपॉक्साइड ब्यूटालीन अपॉक्साइड देन स्टूडेंट्स आप इसको जब हाइपोक्लोरस क्लोरस एसिड से ट्रीट करवाएंगे तो आपके पास वन क्लोरो टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेन जनरेट हो जाएगा यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास नंबर फाइव नंबर सिक्स में क्या होगा क्या आप इसको ट्रीट करवाएंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे इसमें एच ओ सी एल आपने ऐड करवाया है तो स्टूडेंट्स आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये हाइपोहैलस एसिड में सी एच थ्री सी एच टू सी एच यहाँ पे स्टूडेंट साहब के पास ओ एच अटैच हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट साहब के पास सी एच टू और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एल यानी कि वन क्लोरो टू हाइड्रोक्सी आपके पास ब्यूटेन जो है उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा देन स्टूडेंट्स जब आप इसको डाइल्यूट एस टू एस ओ फोर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड एड हो जाएगी और स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट जनरेट होगा जिसको स्टूडेंट्स आप फर्दर ट्रीट करेंगे तो ये आपके पास अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी देन स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि, कि आपने कैसे कन्वर्जन लेके आनी है और आपने प्रोडक्ट ए बी और सी को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर वन है इथाइल अल्कोहल को जब आप कंसेंट्रेटेड एस टू एस ओ फोर से ट्रीट करते हैं तो ये आपके पास सी एच थ्री सी एच टू ओ एच पहली कन्वर्जन स्टूडेंट जब आप लेके आएंगे तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इथिन के अंदर सी एच टू डबल आपका प्रोडक्ट ए है देन स्टूडेंट्स आपके पास इथिन के अंदर जब आप ब्रोमीन ऐड कर देंगे कार्बन टाइटाक्लोराइड के अंदर तो वन टू डायब्रोमो इथिन बन जाएगा सी एच टू बी आर स्टूडेंट सी एच टू बी आर ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गई प्रोडक्ट बी वन टू डायब्रोमो इथेन देन स्टूडेंट्स अल्कोहलिक के ओ एच की प्रेजेंस में जब आप करेंगे इसको ट्रीट तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड सी एच देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर टू है कि प्रोपीन है आपके पास सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू देन स्टूडेंट्स आपने इसको ब्रोमीन से ट्रीट किया आपके पास ये वन टू डायब्रोमो प्रोपेन बन गया सी एच थ्री सी एच आपके पास आ जाता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास सिंगल बॉन्ड सी एच टू आ जाता है यहाँ पे भी ब्रोमीन अटैच हो गया यहाँ पे भी ब्रोमीन अटैच हो गया अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट डी है वो आपके पास है वन टू डायब्रोमो प्रोपेन देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट ई e हमने देखनी है कि हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ई e में स्टूडेंट्स अल्कोहलिक के ओ के साथ जब आप इसको ट्रीट करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी सी एच थ्री सी वन टू थ्री आपके पास सी एच आ जाता है यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी प्रोपाइन के अंदर अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है प्रोपाइन के अंदर एड कर देना है हाइड्रोजन साइनाइड को तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा सी एच थ्री सी एन डबल बॉन्ड सी एच

फॉर्मल डिहाइड लेकिन जब स्टूडेंट्स उसके अंदर एक कार्बन नंबर हम एक और ऐड कर लेंगे यानी कि आपके पास हम ऐथेनल को यूज़ करेंगे या एसीटल को यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा क्योंकि आप सिमेट्रिकल अल्किस यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ ओजोनोलिसिस तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आप ब्यूटीन का जब ओजोनोलिसिस करेंगे वो भी टू ब्यूटीन का तो स्टूडेंट्स आपके पास एसीटल के दो मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे वो कैसे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमने लिया टू ब्यूटीन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री ठीक है उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि इसके अंदर ओजोन ऐड की तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि दो अनस्टेबल कंप्लेक्सेस जनरेट होंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होगा मोलोजोनाइट सी एच थ्री सी एच ये दूसरे आपके पास यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास ये कंप्लेक्स इस तरह से जनरेट हो गया वन टू थ्री फोर वन टू थ्री एंड सी एच थ्री अब स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि ये 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 आपके पास जो है ये है है अनस्टेबल कन्वर्ट हो जाता है, एक और कंप्लेक्स में जिसको आप कहते हैं ओजोनाइट सी एच थ्री आपके पास सी एच आ जाएगा यहाँ पे देन स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा अब स्टूडेंट्स ये आपके पास रिंग अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती है दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास ये कम्प्लेक्स जो वो है वो चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स इसके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि आपके पास दो मुख्तु कंप्लेक्सेज एक दूसरे को ओरिएंट करते हैं यानी कि डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लेके आते हैं स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म है वो हमारा आउट ऑफ कोर्स है लेकिन स्टूडेंट्स जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे जब आप केमिस्ट्री को थॉरली डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो उसके अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके पास किस तरह से विद इन रिंग अरेंजमेंट्स चेंज होती हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है तो आपके पास स्टूडेंट्स ओजोनाइट का स्ट्रक्चर आता है ओजोनाइट अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि ओजोनाइट का स्ट्रक्चर आपके पास चेंज हुआ अब आपके पास यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगी एसिटल डिहाइड के अंदर ये स्टूडेंट्स आपके पास ये पोर्शन अलग हो जाएगा देन स्टूडेंट्स आपके पास ये पोर्शन अलग हो जाएगा ये आपके पास कन्वर्ट हो गया दो मॉलिक्यूल जनरेट होंगे आपके सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ

कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर मार्कॉनिक फॉलो करना है आई होप्ट को याद होगा अल्कोहल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ड करना है सबसे पहले तो स्टूडेंट में आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन सोल्व कर लेती हूँ दट इज प्रोटीन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने एसओ फोर स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ओपन करके भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट होगा स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो जाएगा यहाँ पे कम्प्लेक्स सी एच थ्री सी एच मार्कॉनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंगली ओ एस ओ थ्री एच हाइड्रोजन सल्फेट जो स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हुआ है वो यहाँ पे एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट सी एच थ्री अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स जो नेगेटिव पार्ट होता है आपके रिएजेंट का वो वहाँ ऐड होता है जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर प्रेजेंट है यानी कि हाइड्रोजन आइटम सबसे कम आपके पास कार्बन नंबर टू पे प्रेजेंट थे दैट इज वायर स्टूडेंट्स आपके पास ये ग्रुप कार्बन नंबर टू पे जाके अटैच हो गया अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जाके अटैच हो गया अब इसका आप हाइड्रोलिस कर लेंगे जब आपने हाइड्रोलसिस किया इसका यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको वाटर के साथ बॉईल कर लिया तो स्टूडेंट्स आपके पास ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सी एच ओ एच एंड देन सी एच थ्री देन स्टूडेंट्स में आपके लिए पार्ट नंबर थ्री जो है उसको सोल्व कर लेती हूँ अब स्टूडेंट्स उसके इसमें क्या है कि ब्यूटीन है आपके पास सी एच थ्री सी एच बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड आपके पास आ जाता है सी एच थ्री अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से जिस भी कार्बन के साथ आपका अटैच हो जाएगा आपका जो हाइड्रोजन सल्फेट है तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास दोनों केसेस के अंदर टू ब्यूटानोल जनरेट होगा जबकि स्टूडेंट्स आपके पास इस पर्टिकुलर केस में भी आपके पास टू ब्यूटानोल जनरेट हो रहा होगा क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है लीज नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन इस साइड पर होगा यानी कि जैसे स्टूडेंट्स इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच टू बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो स्टूडेंट्स यहाँ कि इधर आपके पास जो है ना ओ एच ग्रुप ऐड हो रहा होगा क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सल्फेट ग्रुप है वो इस साइड पे ऐड होगा इस नंबर इस कार्बन पे ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट है जब आप स्टूडेंट्स उसका ट्रीटमेंट करेंगे वाटर के साथ तो आपके पास टू ब्यूटन जनरेट होगा यानी कि वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन के केस में स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम जनरेट होंगी हैविंग सेट दैट स्टूडेंट्स आपके लिए वो वाला मैकेनिज्म दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं आई होप कि आपको आप इसको खुद से कॉम्प्रीहड करेंगे देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं प्रिडिक्ट मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू टू मिथाइल टू ब्यूटीन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट अब स्टूडेंट्स आपके सामने है कि आपने एड करना है हाइड्रोजन क्लोराइड टू टू मिथाइल टू ब्यूटीन सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर अब ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स आपके पास टू मिथाइल है और टू पोजिशन पर ही आपके पास क्या है ब्यूटीन प्रेजेंट है सी एच थ्री यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास डबल बॉन्ड हो गया सी एच थ्री देन स्टूडेंट्स आपके पास सी एच सी एच यहाँ पे यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके हाँ पास आ जाता है सी एच थ्री अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इसके अंदर ऐड करना है हाइड्रोजन क्लोराइड अब स्टूडेंट्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट है आपको अच्छी तरह से पता है कि मार्कोनिकॉफ्स रूल को हम फॉलो कर रहे होंगे तो आपके पास कोई जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसी बनेगी सी एच आपके पास स्टूडेंट्स इसमें सिंगल बॉन्ड हम कर लेते हैं यहाँ पे सी एल सी एच थ्री जो हाइड्रोजन है वो आपके पास यहाँ चला जाएगा सी एच थ्री एंड देन सी एच थ्री यहाँ के यहाँ यानी कि इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपके पास के मारकॉनिक ऑफ रूल से रिलेटेड यानी कि मारकोनिक ऑफ रूल फॉलो करते हुए आपके पास ये एडिशन होगी अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको मैकेनिज्म के साथ भी मेंशन कर सकते हैं यानी कि आप बताएंगे कि कार्बो कैटाइन आपका कहाँ जनरेट होगा वो कैसे कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर यह हाइड्रोजन पिक कर लेगी ये हाइड्रोजन पिक कर लेगी तो आपके पास ये वाला जो क्लोरीन है ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन क्लोराइड का ये ब्रेक हो जाएगा एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो आपके पास कार्बो कोटाइन जो है वो जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ दिस सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपके पास कार्बो कोटाइन जो है यहाँ पे आपके पास बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन पे स्टूडेंट्स आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया सी एच थ्री एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है आपके पास सी एच थ्री अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है क्लोरीन जो है वो क्या करेगा यहाँ पे क्लोराइड आयन इधर अटैक करेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा जाके जो कि स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगी हैविंग सेट दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है स्टूडेंट्स हमारे पास वाई आर सम हाइड्रोकार्बन्स आर कॉलेस सेचुरेटेड एंड अदर्स अनसेचुरेटेड वट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर करेक्टरिस्टिक ऑफ देम तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को पहले डिफ़ाइन करना है सेचूरेट और अनसेचुरेटेड के बारे में बताएंगे कि आपके पास सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्किन्स आ जाते हैं जबकि अन में आपके पास अल्किन्स और अलकाइंस आ जाते हैं इन तीनों को डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि कौन से रिएक्शन इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इनकी प्रेपरेशन के अंदर जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो दैन स्टूडेंट्स जितने भी एडिशन रिएक्शंस ये गो थ्रू करते हैं यानी कि आपने इनके मेजर मेजर कुछ रिएक्शन हैं उनको तीनों के अंदर आपने डिस्कस कर लेना है जो इनको आपस में डिफ्रेंशिएट कर रही हूं तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा यानी कि आपने इनके रिएक्शन को मैंशन कर देना है स्टूडेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है हमारे पास डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन स्टूडेंट्स हमने जो वीडियोस के अंदर प्रिपरेशन ऑफ इथाइन के मेथड्स डिस्कस किए थे आपकी बुक के अंदर जैसे है स्टूडेंट्स आप उन तमाम को एनलिस्ट करेंगे सबसे पहले फिर वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट डिस्कस करते हुए आप याद रखेंगे कि जो भी उनकी कंडीशन है वो आप लाजमी उनके साथ मैंशन करेंगे ताकि आपको आपके जो क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह से जस्टिफाई हो सकें दैन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बी आता है हाउ डज इथाइन रियक्ट विद हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो कंडीशन भी आप टू कि टू थ्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है आपके पास इथिन और इथिन रिस्पेक्टिवली जनरेट होते हैं हाइड्रोजनेशन के रिजल्ट में ये आपको ऑलरेडी पता है acid, जब students, आप करते हैं, example, अगर आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड एड कर रहे हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच इसमें आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करें तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी उसे हम कहेंगे विनाइल ब्रोमाइड एस टू सी डबल बॉन्ड सी एच बी आर देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे इनके अंदर दोबारा आप हेलोजन एसिड ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा अब जब आप जब दोबारा स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ रूल्स ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एस टू सी सिंगल बॉन्ड सी एच बी आर और

तो स्टूडेंट्स आप ये वाला रिएक्शन जो है वो लाजि मैंशन करेंगे उसकी एंड प्रोडक्ट भी बताएंगे टेन परसेंट टू एस ओ फोर की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट या मर्क्यूरिक सल्फेट स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है आप याद रखेंगे कि स्टूडेंट्स उसके नतीजे में आपके पास एसिटल डिहाइड जनरेट हो रहा है ये भी स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक्जैक्टली रिएक्शन गिवन है अमोनियकल क्यूपरस क्लोराइड में स्टूडेंट्स आपके पास डाई कॉपर एसिटाइलाइड जनरेट होता है जो कि स्टूडेंट्स आपकी बुक में ऑलरेडी मैंशन है यानी कि स्टूडेंट्स इनको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इन टिपिकल रिएक्शन को दिस स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का पार्ट सी आता है मैंशन सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मीथेन इथिन और इथाइन स्टूडेंट्स हमने इनको कंसेप्चुअल वीडियोज के अंदर थॉरेली डिस्कस किया था आप उन्हीं को एज इट इज जो आपकी बुक के अंदर मैंशन है वैसे ही लिख लेंगे फाइव फाइव यूजेस आप लिख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा दिन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आता है डिस्क्राइब हाउ यू वुड डिस्टिंग Between ethane, ethane, and ethyne from one another. अब स्टूडेंट्स बाय मीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इथेन इथिन और इथाइन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो इथेन है वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देता जो कि स्टूडेंट्स कोई विजिबल केमिकल रिएक्शन मिक्सचर में कोई चेंज लेके आए यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जस्ट सब्सिट्यूशन रिएक्शन होते हैं या थर्मल रिएक्शन होते हैं यू ऑलरेडी नो तो स्टूडेंट्स आपके पास एडिशन रिएक्शन तो नहीं देता लाइक दैट ऑफ इथिन एंड इथाइन अब स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आपको पता है कि मैं आपके सामने रिएक्शन कंडीशन मैंशन कर दूँगी यानी कि ये ये रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन है, वो आपके पास आइडेंटिफिकेशन होते हैं यानी कि एक दूसरे को को कर रहे होते हैं ethene, ethene और ethene को आपस में तो so, अगर आप इथिन को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे से bromine water से करवाएंगे कार्बन टेटोक्लोराइड की प्रेजेंस में लाइकिन like कार्बन टेटाक्लोराइड के साथ व्यक्त करवाएंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो व्हाइट कलर के कुछ प्रेसिपिटेट्स देंगे तो स्टूडेंट्स ये वाला जो कलर होता है ये आइडेंटिफिकेशन का बायस बनता है और करता है इथेन को इथिन और इथाइन से देन स्टूडेंट्स आपके पास एक बायस टेस्ट आता है जो कि अलगलीन केमोनोफोर सोल्यूशन की प्रेजेंस में होता है केमोनो ओ एच अल्कुल केमेनो फोर की प्रेजेंस में होता है बाइस टेस्ट स्टूडेंट्स वो टेस्ट दोनों केसेस में हो रहा होता है और आपके पास जो केमेनो फोर का कलर हो रहा होता है पर्पल कलर का वो डिस्चार्ज हो जाता है यानी कि आपके पास इथीन और इथाइन ये दोनों टेस्ट दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह याद है कि इथीन की केस में आपके पास इथालिन ग्लाइकोल जनरेट होता है जबकि इथाइन की केस में आपके पास ऑक्जैलिक एसिड जनरेट होता है पूरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अगर देखा जाए तो देन स्टूडेंट्स आपके पास जब आप बात करते हैं इथाइन की तो इथाइन स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली अगर आपने इथीन और इथाइन को आपस में डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए दो रिएक्शन है एक तो स्टूडेंट्स आपके पास अमोनीएकल सिल्वर नाइट्रेट से अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट से स्टूडेंट्स रिएक्ट करके सिल्वर मिरर बना रहा होता है आपके पास ये सिल्वर ऐसी बना रहा होता है इथाइन की बात करें तो वो सिम्प आपके पास सिल्वर एसी बना रहा होगा तो स्टूडेंट तो सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट देता है तो यानी कि आपने ईथीन और इथाइन को डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप इस टेस्ट की बेसिस पर कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अमोनिएकल कॉपर रिएजेंट से अगर रिएक्ट करें अमोनिएकल कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करें तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि, कि आपके पास एक डेफिनेट प्रेसिपिटेट्स आते हैं वाइल आपके पास इथिन और इथेन ये दोनों जो रिएक्शंस होते हैं वो नहीं देते यानी कि इथिन और इथाइन को आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वायल स्टूडेंट्स आपके पास इथेन जो है वो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज नहीं कर सकता बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास इथेन जो है वो केमोनोफोर का कलर डिस्चार्ज नहीं कर सकता तो स्टूडेंट्स इन टेस्ट की बेसिस पे आप इथिन इथेन और इथाइन को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हाउ विल यू सेंथिसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन तो स्टूडेंट्स ये जो टिपिकल आपके पास रिएजेंट्स हैं इनको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास इथाइन के अंदर अगर मैं जस्ट रिएजेंट्स के नाम लूंगी बाकी स्टूडेंट्स आपकी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर थॉरली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इथाइन से स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स एसीटल डिहाइट हम जनरेट कर सकते हैं सिंपली हम कैसे जनरेट करेंगे एसीटल डिहाइड हम जनरेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और मल्कि सल्फेट की प्रेजेंस के अंदर आपके पास जो है इथाइन कन्वर्ट हो जाता है एसिटल डिहाइड के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास इथाइन जो है वो कॉपर ट्यूब के अंदर थ्री डिग्री सेल्सियस कॉपर ट्यूब के अंदर थ्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जनरेट कर रहा होता है एसटोर यहाँ पे हम लिख लेंगे एसडीएस और और सल्फेट की प्रेजेंस में देन स्टूडेंट्स आपके पास ये आपके पास स्टूडेंट्स इससे जनरेट हो रहे होते हैं दैन स्टूडेंट्स कॉपर ट्यूब के अंदर 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन हैं तो आपके पास बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स इथाइन को हम जब इथाइन से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास विनाइल एसीटेट जनरेट होता है अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो विनाइल एसीटाइलिन होता है इसको स्टूडेंट्स हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्लोरोप्रिन जनरेट होता है

रिएक्ट करवाते हैं अल्कलीन के एमोनोफोर सोल्यूशन से वो रिएक्शन स्टूडेंट्स आपने बुक्स में ऑलरेडी अपने डिस्कस किया हुआ है तो हैविंग दैट स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट बी है राइट अ नोट ऑन द एसिडिटी ऑफ इथाइन एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन स्टूडेंट्स आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन की वजह से होती है जो कि प्रेजेंट होती है इथाइन को जब स्टूडेंट्स आप मोल्टन सोडियम में से पास करते हैं डायसोडियम एसिटालाइड आपके पास बनता है डायसोडियम एसिटालाइड स्टूडेंट्स आपके पास कैसा होता है was C triple bond C and a positive C negative g yeah, and a positive

इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज्यादा हो जाएगी तो वो नेगेटिव चार्ज भी ले सकता है और इजीली अपना जो प्रोटोन है हाइड्रोजन की फॉर्म में उसको लूज करके एसिडिक कैरेक्टर अपना एग्जिबिट कर सकता है देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने रिएक्शन मेंशन कर देना एसीटालाइड्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर कि आपके पास अमोनियकल क्यूपरस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट से अगर आप रिएक्ट करवा दें इथाइन को तो आपके पास रिस्पेक्टिव एसीटाइलाइड्स यानी कि कॉपर और सिल्वर एसिटालाइड जो हो है वो जनरेट होती हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन एसोसिएटेटेट है वि ट्रिपल बॉन्ड व एसिडिक है इन कैरेक्टर दैन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ए है इसको देख लेते हैं कंपेयर द रिएटिविटी ऑफ इथेन इथन और इथाइन स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो कि इथेन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इथाइन एंड इथाइन इज

फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन अल्किन और अल्काइन तो स्टूडेंट्स आप तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको कंपेरिजन में लिख सकते हैं और आपके पास ये जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा थैंक यू